दिस इज़ प्रतिभा, वेलकम बैक टू माई चैनल बिलीव टू लर्न। सो फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस करा था कि मैं आपके लिए UPT GT PGT की सब्जेक्ट वाइज बेहतर टेस्ट सीरीज लेकर आऊँगी, उसी क्रम में आज मैं फिजिकल एजुकेशन का पार्ट 12 आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। इससे पहले हमने 11 पार्ट ऑलरेडी कराए हैं टेस्ट सीरीज के, अगर आपने वो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर वो सारी वीडियोज भी देख सकते हैं। तो आज फिर से बेहतर 25 क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। इसके पहले के 25 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी प्रीवियस सीरीज में डिस्कस करे हैं, तो इसके बाद आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, आप ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। तो पहला क्वेश्चन है, थकान महसूस करने वाली पेशियाँ हैं अरेखित पेशियाँ, रेखित पेशियाँ, हृदयी पेशियाँ या फिर ये सभी। तो 26 का आपका करेक्ट आंसर बी होगा, रेखित पेशियाँ। फिर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 की। क्वेश्चन नंबर 27 है, अस्थि संस्थान का कार्य है रक्त कणों का निर्माण करना, शरीर को गति प्रदान करना, शरीर को निश्चित आकृति एवं गति प्रदान करना या उपरोक्त सभी। तो 27 का आंसर होगा आपका डी, उपरोक्त सभी, ये अस्थि संस्थान का कार्य है। ठीक है, आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। मनुष्य के चेहरे में अस्थियों की संख्या है कितनी है, आपको बताना है 12, 8, 10 या 14। तो इसका सही आंसर आपका होगा डी, 14। फिर बात करेंगे, एक वयस्क व्यक्ति में मेरुदंड में कुल कशेरुकाएँ होती हैं कितनी, कशेरुकाएँ होती हैं आपकी 20 होती हैं, 22 होती हैं, 26 होती हैं या फिर 30 होती हैं। तो आपका 29 का सही आंसर होगा सी, 26। ठीक है, 29 का आपका सही आंसर होगा सी, 26। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 30 देख सकते हैं आप। देखिए, खोपड़ी को साधने वाली कशेरुका है कौन सी है, आपको बताना है ग्रीवा कशेरुका, शीर्षधर कशेरुका, आपकी अक्षक कशेरुका या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। उपरोक्त में से कोई नहीं, आपको जल्दी से इसका आंसर देना है। तो 30 का आपका सही आंसर बी होगा, शीर्षधर कशेरुका। आगे बात करेंगे, कंधे पर किस प्रकार की संधि होती है, गेंद गड्ढा संधि, अचले संधि, फिसलने वाली संधि, कब्जे नुमा संधि। तो आपका 31 का सही आंसर बी होगा, आपका अचले संधि। इसी प्रकार के प्रश्न जब आपसे पूछे जाएंगे तो वो यही बच्चे सॉल्व कर पाएंगे जो मॉडल पेपर सॉल्व करते हैं। मैंने इससे पहले भी आपको मॉडल पेपर का महत्व बताया है, जो एग्ज़ाम के पैटर्न को देखते हुए और एक एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हुए बनाए जाते हैं। कपाल कल अस्थियों में किस प्रकार की संधि पाई जाती है, आपका चल संधि, अचल संधि, फिसलने वाली संधि या इनमें से कोई नहीं। तो आपका 32 का करेक्ट आंसर ए होगा, चल संधि। 32 का करेक्ट आंसर ए होगा, चल संधि। राजपूत काल में निम्नलिखित में से कौन सी प्रतियोगिता नहीं होती थी, तलवारबाजी, कुश्ती, कबड्डी या शतरंज। तो आपका 33 का करेक्ट आंसर होगा बी, कुश्ती। ओके, आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 है, स्वतंत्रता से पूर्व महाकाव्य काल में शारीरिक शिक्षा का विकास किस रूप में हुआ था, कबड्डी के रूप में, कुश्ती के रूप में, चौसर के रूप में या तलवारबाजी के रूप में। तो 34 का आपका करेक्ट आंसर सी होगा, चौसर के रूप में। ठीक है, आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 की, अखिल भारतीय खेल सलाहकार समिति की स्थापना हुई 1954 में, 1945 ईस्वी में, 1953 ईस्वी में या 1950 ईस्वी में। तो 35 का करेक्ट आंसर आपका ए होगा, 1954 ईस्वी में, 1954 ईस्वी में। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 36 की, हनुमान प्रारक मंडल अमरावती की स्थापना हुई 1913 ईस्वी में, 1914 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में या 1912 ईस्वी में। तो 36 का आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए बी, 1914 ईस्वी में। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 37 की, सभी खेल संगठनों का भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन के साथ संबंध होना अनिवार्य है यह किस समिति का सुझाव था, खेलकूद की तदर्थ जांच समिति, आपका कुंजरू समिति,
आपका अखिल भारतीय खेल सलाहकार समिति या कौल कपूर समिति। तो 37 का आपका सही आंसर होगा ए, खेल कूद की तदर्थ जांच समिति। फिर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 38 की। शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में एकमात्र विश्वविद्यालय है गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार, पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़, आपका लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान या राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान पटियाला। तो 38 का करेक्ट आंसर आपका सी होगा, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान। ठीक है, 38 का सी आपका करेक्ट आंसर होगा। फिर बात करेंगे 39 की। प्रकृतिवाद का दर्शन किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, आपका प्लेटो के, सुकरात के, रूसो के या फिर जॉन डीवी के। तो इसका सही आंसर आपका जॉन डीवी होगा। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। पुगलिस्ट कौन होते थे, बॉक्सर होते थे, रेसलर होते थे, जुडोलियर होते थे या फिर आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 40 का करेक्ट आंसर आपका बी होगा, रेसलर होते थे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। 41 आप देख सकते हैं, जॉन डीवी किस विचारधारा के जन्मदाता थे। अगर हम बात करें कि वो किस विचारधारा के थे, प्रतिपादित उनके द्वारा प्रकृतिवाद किया गया लेकिन किस विचारधारा के जन्मदाता थे, तो आपका यहाँ पर सही आंसर 41 का सही आंसर ए होना चाहिए, व्यवहारवाद के। ठीक है, उनका जो विचारधारा थी वो व्यवहारवाद के जन्मदाता माने जाते हैं। सन 2008 के में ओलंपिक हुआ और पीछे वाले क्वेश्चन में ऑप्शंस के हिसाब से जो ऑप्शन दिया गया है वो सही है, जो मतलब आंसर दिया गया है सन 2008। अब फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में लगता है कि इसका आंसर कुछ और होना चाहिए तो आप अपना प्यार भरा सजेशन हम दे सकते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो थोड़े से विवादित होते हैं, इस वजह से भी वो आपको आयोग के द्वारा भी वैसे ही दिए जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप सजेशन देंगे और हम उसको एनालाइज करेंगे, अगर हम गलती पाते हैं तो उससे रिलेटेड कमेंट को पिन कर देंगे, जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में भी किया। सन 2008 में ओलंपिक हुआ, अटलांटा में, लंदन में, बीजिंग में, पेरिस में। बाकी तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा देखने के बाद ही दी गई, बट फिर भी हो सकता है कि पेपर बनाने में या कुछ वैसा हो गया हो, तो उसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। 42 का बी आंसर होगा, लंदन में। बाकी आप 100% ट्रस्ट कर सकते हैं इन वीडियोस पर, 42 का बी करेक्ट आंसर होगा। फिर बात करेंगे, भारतीय हॉकी की प्रभुता किस वर्ष के ओलंपिक में समाप्त हुई, 1960 ओलंपिक खेल रोम में, 1968 ओलंपिक खेल मैक्सिको में, 1948 ओलंपिक खेल लंदन में, 1964 ओलंपिक खेल टोक्यो में। तो 43 का आपका करेक्ट आंसर ए होगा, 1960 ओलंपिक खेल रोम में। फिर बात करेंगे, दर्शन शास्त्र का संबंध होता है आपका मस्तिष्क के कार्य से, मानव व्यवहार से, बुद्धिमानी के प्रति स्नेह से, सामाजिक परंपराएं। तो 44 का आपका करेक्ट आंसर बी होगा, मानव व्यवहार से। फिर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 45 की। स्पोर्ट किएट आंदोलन कहाँ बहुत प्रचलन है, कहाँ बहुत प्रचलन है आप बताइए। ठीक है, अफ्रीकन महाद्वीप में, अमेरिकन महाद्वीप में, पूर्वी यूरोप में, रशिया में या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका 45 का सही आंसर सी होगा, पूर्वी यूरोप में यानी कि रशिया में। ओके, फिर बात करेंगे 46 की। आधुनिक ओलंपिक खेलों के जनक कौन हैं, कौन थे, आर एल सोंधी, जॉर्ज ब्राउन, बरन, पियरे डी कोपत्रिन, आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आपका 46 का सही आंसर होगा सी, बरेन पियरे डी कोबर्तिन। ठीक है, नाम थोड़ा सा बड़ा था बट आंसर यही होगा। ओके, भारत में सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है, पद्मश्री का, आपका पद्म विभूषण का, अर्जुन पुरस्कार है या फिर भारत रत्न है। तो ये तो आपको पता ही होगा, अर्जुन पुरस्कार। ठीक है, 47 का सी करेक्ट आंसर होगा। फिर बात करेंगे, पहले प्राचीन ओलंपिक खेल खेले गए थे 774 बीसी में, 775 बीसी में, 777 बीसी में या 776 बीसी में। तो 48 का आपका करेक्ट आंसर डी होगा, 776 बीसी में। फिर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 49 की, और आज के दो क्वेश्चन रह गए हैं, फिर से आपने एक जंग जीत ली। ओलंपिक का मतलब है ग्रीक देश में जगह, आपका ओलंपिक खेलों में पदक लेना, ओलंपिक खेलों में भाग लेना, दो ओलंपिक खेलों के बीच का समय। तो 49 का आपका करेक्ट आंसर ए होना चाहिए, ग्रीस देश में जगह। ठीक है,
आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 50 की। ग्रीक काल में कुश्ती स्कूल को किस नाम से जाना जाता था? आपका अगोगा, डिडास्केलियम, पेल्ट्रा या फिर आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 50 का सही आंसर आपका सी होगा, पेल्ट्रा। ओके, आई होप सो कि आज के भी 25 क्वेश्चन की सीरीज़ आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करा करिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम ज़्यादा से ज़्यादा सीरीज़ आपके लिए डेली बेसिस पर ला सकें। नमस्कार।